जिंदगी में एक छोटी सी चीज़ आप लोग फॉलो कर लें, आई एम श्योर कि कई लोग करते होंगे, 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे डायबिटीज़ हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज़ ले आओ, 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज़ को दूर भगा देते हैं। और जिससे मतलब एक वक्त का खाना खाना हमारे देश का फ़ायदा है, बहुत अन्न रहेगा, सब कुछ रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। Started actually hyperventilating by then and I could have died of hypertension. Lekin inhone phir itne sweetly sorry kaha kai baar, I thought now I'm going to die of diabetes. aur ab wo kshan जिसका हम सबको इंतज़ार है, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से आग्रह करूंगा कि वो ऑफिशियली आकर ये फिल्म जो है और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का जो है कैंपेन है उसको लॉन्च करें। कुमार जी, आपने अपने सारे व्यस्त शेड्यूल में से समाज के लिए समय निकाला। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की महानता या किसी भी कलाकार की महानता इसमें नहीं होती कि वो कितनी फिल्में हिट करता है या कितना पैसा वो कमाता है, तो इसमें होती है कि ये सारी ऊंचाइयों पर पहुँचने के बावजूद भी समाज से उसका रिश्ता क्या है, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या है। अगर वो उस बात को समझता है तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि उसी को हम लोग सुपरस्टार कह सकते हैं। और इसलिए आपने ये सारा दायित्व यहाँ पर निभाया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वैसे एक चीज़ है कि शेखर सुमन जी अगर बोलते रहेंगे तो किसी को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ।